2024 के चुनावी महाजंग से पहले बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने का दावा ठोक रही, तो विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर बदलाव का दावा कर रही हैं। विकास और विरोध की राजनीति के बीच 2024 में किसकी सरकार बनेगी ये तो आगे की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के दम पर हैट्रिक लगाकर इतिहास रचना चाहते हैं। और इसी विकास की राह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना को वर्चुअली लॉन्च किया। इसके तहत देश भर के कई रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। पहले फेज में 508 स्टेशन को शामिल किया गया है, जिन्हें कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस कार्य को हरी झंडी दिखाई गई। अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए, और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। मैं अमृतकाल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। विपक्ष के विरोध के एजेंडे को किस तरह से सवालों के कटघरे में खड़ा किया, सुनिए। भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने धरे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे, ये रवैये पर अड़े हुए हैं। देश ने आज की और भविष्य की जरूरतों की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है, उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया है। स्टेशन के पुनर्विकास पर क्या दिल्ली कैंट की जनता ने कहा, वो अब आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री ने आज 508 स्टेशनों के पुनर्विकास की योजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इस हरी झंडी में दिल्ली का भी वो स्टेशन जहां मौजूद है, इसका नाम है दिल्ली कैंट यानी छावनी के नाम से जाना जाता है। तमाम जो पैसेंजर है यहां से भी आते जाते हैं और आप देखेंगे कि तमाम जो ट्रेनें हैं वो यहां पर आती हैं, रुकती हैं, चाहे वो जैसलमेर का हो या तमाम तरह से आने जाने की तमाम सुविधाएं हैं। लेकिन क्या कुछ है यहां पे, तमाम जो लोग आए थे सुनने वो तमाम लोग हमारे साथ में हैं। लेकिन उससे पहले हम नजारा दिखा दें आपको कि ये जो अभी आप स्थिति देख रहे हैं यहां से वहां तक का, जब इसका पुनर्विकास होगा दिल्ली कैंट का स्टेशन का, रेलवे स्टेशन का, तो कुछ ऐसी तस्वीरें आपको निकल कर देखने को मिलेंगी। यानी आप देखेंगे मेरे हाथों में जो बुकलेट है, ऐसे ही कुछ मॉडर्नाइजेशन तरीके से ये बिल्डिंग का, ये पूरे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। खूबसूरत बिल्डिंग का निर्माण होगा। आप देखेंगे किस तरह से इसे 5 स्टार से भी ज्यादा
रूपरेखा के हिसाब से सजाया जा रहा है। जिस हिसाब से खुद दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने बताया है कि किस हिसाब से इसमें कंक्रीट पत्थर और तमाम से लगाए जाएंगे, खूबसूरती की एक मिसाल यहाँ पैदा की जाएगी। लेकिन वो मिसाल 2025 तक करनी है, लेकिन उससे पहले कितनी उत्साहित है जनता और तमाम तरह से जनार्दन हमारे साथ में से बात लेते हैं। सर, चूंकि आप भी आए लगातार, आप सुन रहे थे पुनर्विकास योजना रेलवे स्टेशन का, इससे पहले क्या कभी देखा है आप? इतने सालों में आप हालत देख रहे थे स्टेशनों की क्या है। हम लोग जब भी कहीं विदेश जाते थे और वहाँ के स्टेशन एयरपोर्ट देख कर बात करते थे कि हमारा देश अभी कहाँ पीछे है। हाईवे देखते थे कितना टाइम लगेगा हमारे को वहाँ तक पहुँचने में। और एक साफ नीयत वाली सरकार ने 9 साल 10 साल में वो काम करके दिखा दिया है जो 70 सालों में नहीं हुआ था। 70 सालों में नहीं हुआ। पहले आप ट्रेनों पे स्टेशन में घूमते थे, पहले में और अब में कुछ अंतर है या आने वाले समय में कुछ और अंतर दिखाई देगा? आने वाले समय में तो जो अभी मोदी जी ने दिखाया कि किस हिसाब से कितना भव्य स्टेशन बनेंगे, तो वो देख के कल्पना मतलब लगती थी कि ऐसा कभी हमारे भारत देश में भी होगा जो बाकी देशों में है, जो अब लगा है कि वो मुमकिन है। आप देखेंगे कि तमाम जो यात्री है वो भी खुश है और तमाम तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पे सफर करते हैं, यूथ भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। यूथ हैं आप लगातार, मुझे लगता है कि ट्रेनों में सफर करते होंगे, तो सहूलियतें हैं या नहीं है? सहूलियतें तो कहाँ है सर, नहीं है। कमियाँ क्या हैं? वही ट्रेन में अंदर साफ सफाई नहीं होना, गंदगी होना, इस टाइप से अभी भी है गंदगी? हाँ है, खूब है। अच्छा, हाँ यस। किस रूट पे आप जाते हैं? मैं रेवाड़ी से। रेवाड़ी जाते हैं, रेवाड़ी से आते हैं? हाँ, दिल्ली। दिल्ली आते हैं? नहीं, एग्जाम चल रहे हैं ना इस टाइम। अच्छा, तो कमियाँ कहाँ पे देखने को मिली? कमी सर रेलवे ट्रेन के अंदर ही होती है, जैसे सुविधा गंदगी ज़्यादा रहती है, पानी वानी भरा रहता है कई बार, तो जैसे तो फ्लोर पे बैठने की जगह सही नहीं है, ऐसा ही है, बाकी तो ठीक है। आप चाहते हैं कि सुधार हो? हाँ, सुधार हो, अच्छा हो। क्या चाहते हैं? अच्छा सुधार हो। स्टेशन पहले से बेहतर हुए? हाँ, पहले से काफ़ी सही है पहले तो। अच्छा, मोदी जी को सुना कि नहीं सुना आपने? हाँ सुना। क्या उम्मीद है कि बेहतर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो आपने सुना यहाँ पर तमाम तरह से जो लोग हैं वो बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कह रहे हैं उम्मीद है कि बेहतर होगा। जिस हिसाब से पहले कूड़े कचरे की ढेर होती थी, आप पहले ट्रैकों पे आप देखिए किस हिसाब से मलबे गंदगी पड़े होते थे, लेकिन आज देखिए तमाम जो ट्रैक है वो साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। और यहाँ से वहाँ तक हम तमाम रेलवे ट्रैक की बात कर रहे हैं तो पूरी तरह से सुरक्षित भी है, स्वच्छ भी नजर आ रही है। और ऐसे हालात में अब सभी लोगों का यही कहना है कि आने वाले समय में जो मोदी सरकार कर रही है उसे अब रेलवे लाइन की जो लाइफ लाइन कही जाती है, तमाम जो सुविधाएं मिलती है वो अब तमाम लोगों को बेहतर और खूबसूरत दिखाई हुआ पाया जाएगा और कहीं ना कहीं यात्रा भी सुगम होती हुई नजर आएगी। कैमरा में दुर्गेश के साथ अजीत श्रीवास्तव, डी न्यूज़।